हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो ये लास्ट लेक्चर है हमारा यूनिट 4 का गियर का, जिसमें हम डिज़ाइन ऑफ बेवल गियर पार्ट 6 है ये। इसमें हम बात करने वाले हैं बेवल गियर की डिज़ाइन कैसी होती है, उसके फार्मूलाज कैसे बनते हैं, उस पर कौन कौन से लोड एक्ट होंगे, ये सब हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, जैसे इससे पहले हमने स्पर गियर और हेलिकल गियर के लिए देखा था। ठीक है, तो बेवल गियर होता क्या है? दो अलग अलग गियर हैं, दोनों के अलग अलग शाफ्ट हैं। वो साफ दोनों गियर के साफ्ट का जो एक्सिस को जब आप एक्सटेंड करोगे तो वो पर्टिकुलर एक पॉइंट पर जाकर, दोनों गियर के साफ्ट एक्सिस एक पॉइंट पर जाकर मिलेंगे। ठीक है, द टू नॉन पैरेलल और इंटरसेक्टिंग बट कोप्लेनर साफ्ट कनेक्टेड बाय अ गियर्स इन शोन इन फिगर, दिस गियर आर कॉल्ड बेवल गियर एंड द अरेंजमेंट इज नोन एज बेवल गियरिंग। ठीक है, देखो एक गियर ये रहा, एक बेवल गियर ये रहा, ठीक है, और दूसरा गियर हमारा ये रहा। ये दोनों गियर, ये इस गियर का शाफ्ट देखो, इसका एक्सिस ऐसा है और इस गियर का शाफ्ट ऐसा है। तो ऐसे गियर को अगर ऐसे दो शाफ्ट में इस शाफ्ट से इस शाफ्ट में पावर ड्राइव करना है, पावर को ट्रांसफर करना है, जो कि मतलब एक शाफ्ट आपका आपका नॉर्मल है, उस शाफ्ट से किसी दूसरे शाफ्ट को अगर पावर ट्रांसफर करना है, बट वो शाफ्ट किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, बट उसका एक्सिस आपके जो मेन शाफ्ट है उससे इंटरसेक्ट कर रहा है, देन उसके लिए हम बेवल गियर यूज करते हैं। तो ये देखो एक शाफ्ट का एक्सिस ये रहा और दूसरा शाफ्ट ऐसा है, तो ये दोनों का यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा, तो इन दोनों गियर के लिए हम ऐसा गियर यूज करते हैं। तो बेवल गियर आप एनिमेटेड वीडियो देख लेना आपको 3D में, ताकि आपको बेवल गियर काम कैसे करता है ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेवल गियर कुछ इस तरह दिखता है, इसका भी टीथ इंक्लाइंड होता है कुछ इस तरह, ठीक है, और दोनों गियर को इंक्लाइंड पे टच करेंगे तो ये पिनियन रोटेट होगा, तो आपका गियर भी रोटेट होगा। ओके, दिस इज माई मेन गियर, दिस इज पिनियन गियर, ये हमारा बैक कोन, कोन शेप में ऐसा कुछ बना होता है, तो ये बैक कोन एट पॉइंट ओ पे ये इंटरसेक्ट हुआ है दोनों का साफ। ओके, टर्म्स यूज इन स्पर गियर, पिच कोन, कोन डिस्टेंस, कोन डिस्टेंस ओ पी, कोन डिस्टेंस ओ पी दिस मीन्स दिस ओ पी ओ पी कोन डिस्टेंस ओ पी दैट इज द पिच रेडियस अपॉन साइन थीटा पी, तो डी पी अपॉन टू अपॉन साइन थीटा पी पिच रेडियस, वे डी जी अपॉन टू अपॉन साइन थीटा पी टू। तो ये सब एक्चुअली क्या है ना, बेवल गियर का ज़्यादातर जो फॉर्मूला बनेंगे वो सब स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो ये डेरिवेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको डिज़ाइन डाटा बुक में मिल जाता है। ठीक है, तो बस आपको पता होना चाहिए एडेंडम एंगल क्या होता है, डिटेंडम एंगल, ये सब आपको मिल जाएगा। बेवल गियर डिज़ाइन डाटा बुक ओपन करा हो तो आप ओपन करना, तो यहाँ पे आपको एडेंडम एंगल क्या होता है बेवल गियर का, डिटेंडम एंगल क्या होता है, फेस एंगल क्या होगा, रूट एंगल क्या होगा, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंगल, इसके सोच लो कितना, मतलब इसमें कितने टेक्निक्स लगे होंगे तब जाके ये गियर बनाया गया होगा, तो इसके जो बनाने का तरीका है, कंडीशन है, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला हमारा हमने जो जो हम पढ़ेंगे वो ज़्यादातर स्टैंडर्ड ही रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करते हैं, डिटरमाइन द पिच एंगल फॉर द बेवल गियर, बेवल एंगल का पिच एंगल फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करें? ठीक है, लेट थीटा पी वन इज अ पिच एंगल फॉर द पिनियन, थीटा पी टू इज अ पिच एंगल फॉर द गियर, थीटा पी वन और पी टू, वन फॉर पिनियन, टू फॉर गियर, ओके, एंड थीटा एज इज द एंगल बिटवीन द टू शाफ्ट एक्सिस, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू शाफ्ट एक्सिस, ये शाफ्ट का रेड और ये दोनों शाफ्ट के जो है ये एंगल दैट इज थीटास। ओके, डीपी इज द पिच डायमीटर ऑफ पिनियन और डीजी इज द पिच डायमीटर ऑफ गियर, देयरफॉर वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, डीजी अपॉन डीपी, डायमीटर ऑफ गियर अपॉन डायमीटर ऑफ पिनियन, और टीजी अपॉन डीपी, नंबर ऑफ टीथ इन गियर अपॉन नंबर ऑफ टीथ इन पिनियन, विच इज इक्वल टू एनपी अपॉन एनजी। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, वेलोसिटी रेशियो तीन तरीके से, डीजी अपॉन डीपी से भी निकल आता है, टीजी अपॉन टीपी से भी निकल आता है, और स्पीड से भी, एनपी अपॉन एनजी से भी निकल आता है। ठीक है, नाउ थीटा पी वन, देयर फॉर थीटा पी वन इज पिच एंगल फॉर द पिनियन, पिच एंगल फॉर द पिनियन थीटा पी वन इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन थीटा एस अपॉन वेलोसिटी रेशियो प्लस कॉस थीटा एस, वेयर थीटा एस इज द एंगल बिटवीन द टू शाफ्ट एक्सिस, दो शाफ्ट के जो इंक्लाइंड हुए हैं उनका एंगल क्या है, एक कनेक्ट जिस पॉइंट पे हुए हैं उसका एंगल थीटा एस। ओके, वी आर इज द वेलोसिटी रेशियो, ऐसे क्वेश्चन में आपको डीजी डीबी टीजी टीपी एनपी एनजी किसी में से दिया होगा कुछ, तो आप वेलोसिटी रेशियो निकाल लेना, फिर जब आपको बोलेगा पिच एंगल पिनियन के लिए और गियर के लिए निकालो, तो उसके लिए फॉर्मूला ये रखना, पुट करना वैल्यू, आपका निकल आएगा। और थीटा टू, थीटा पी टू इज द पिच एंगल फॉर द गियर, थीटा पी टू, देयरफॉर इसके लिए भी सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे आपका जो वेलोसिटी रेशियो है वन अपॉन वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा, बाकी सब सेम है।
ओके. नाउ व्हेन द एंगल बिटवीन द शाफ्ट एक्सिस इज 90 डिग्री, दोनों का शाफ्ट एक्सिस अगर 90 डिग्री पे हो, तो उसके लिए हमारा जो पिच एंगल ऑफ द पिनियन के लिए बनेगा, थीटा पी एम इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ डी पी अपॉन डी जी, विच इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ टी पी अपॉन टी जी, विच इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ एन जी अपॉन एन पी. ठीक है. और थीटा पी टी इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ वी जी, वी आर वेलोसिटी रेशियो का टैन इनवर्स, दे आर फोर टैन इनवर्स इज इक्वल टू डी जी अपॉन डी पी, टैन इनवर्स टी जी अपॉन टी पी, टैन इनवर्स ऑफ एन पी अपॉन एन जी. ये फॉर्मूला कैसे बना, ध्यान दो, साइन 90, जब 90 डिग्री बोल रहा है कि 90 डिग्री होना चाहिए. ठीक है, तो अगर आप ध्यान दोगे तो साइन 90, साइन 90 की वैल्यू आती है 1, साइन 90 की, साइन 90 की वैल्यू आ जाएगी 1, और कॉस 90 की वैल्यू आ जाएगी 0. तो साइन 90 1 अपॉन वेलोसिटी रेशियो बचेगा, तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डी जी अपॉन डी पी या टी जी अपॉन टी पी या एन पी अपॉन एन जी. तो वेलोसिटी रेशियो जगह पर हम जब डी जी अपॉन डी पी रखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो डी पी अपॉन डी जी हो जाएगा. तो देयर फॉर थीटा पी वन इज इक्वल टू टेन इनवर्स डी पी अपॉन डी जी, टी पी अपॉन टी जी, और ये एन पी अपॉन एन जी जब यहाँ रखेंगे तो ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा एन जी अपॉन एन पी, सेम इन दिस फॉर्मूला. ओके, तो ये थीटा पी वन और थीटा पी पिच एंगल फॉर द पिनियन और पिच एंगल फॉर द गियर के लिए ऐसा कुछ फॉर्मूला बनेगा. ओके, नाउ प्रोपोर्शंस ऑफ बेवल गियर, ये भी कुछ स्टैंडर्ड है. एडेंडम जो 1 mm के अप्रॉक्स होता है, डिडेंडम 1.2 mm के अप्रॉक्स होता है, क्लियरेंस 0.2 mm के अप्रॉक्स होता है, वर्किंग डेप्थ 2 मीटर अप्रॉक्स होता है, और थिकनेस ऑफ टूथ जो होता है 1.5708 मॉड्यूल के आसपास, वेयर m इज अ मॉड्यूल. ये सब प्रोपोर्शंस है बेवल्स गियर के. ओके, नाउ फोर्थ, फॉर्मेटिव और इक्विवेलेंट, जैसे हमने अभी हेलिकल गियर का फाइंड किया था इक्विवेलेंट नंबर ऑफ टीथ, और फॉर्मेटिव और इक्विवेलेंट नंबर ऑफ टीथ, सेम अब बेवल गियर के भी फाइंड करेंगे. ठीक है, लेट थीटा पी इज द पिच एंगल और अ हाफ ऑफ द कोन एंगल, थीटा पी इज अ पिच एंगल और हाफ ऑफ द कोन एंगल, आर इज अ पिच सर्कल रेडियस ऑफ द बेवल पिनियन और गियर का, और आर बी इज द बैक कोन डिस्टेंस. ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमारा बेवल गियर है. ठीक है, ऐसा कुछ कोन शेप में, थीटा पी इज अ पिच एंगल, ओके, आर, आर इज द पिच सर्कल, जो पिच सर्कल, ये जो सर्कल बन रहा है पिच सर्कल जिस पे गियर का टूथ है, पिच सर्कल, इट इज द पिच सर्कल रेडियस, एंड आर बी इज द बैक कोन, जो बैक कोन पीछे जो कोन बनेगा उसका डिस्टेंस, आर बैक कोन डिस्टेंस. ओके, देयर फॉर फ्रॉम फिगर आर बी इज इक्वल टू आर सेक थीटा पी, फ्रॉम दिस फिगर सेक थीटा पी, सेक थीटा पी क्या हो जाएगा, दैट इज आर बी अपॉन आर, देयर फॉर आर बी इज इक्वल टू आर सेक थीटा पी. ओके, नाउ वी नो डैट द इक्विवेलेंट और फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ पी ई इज इक्वल टू, अब देखो, अब भाई इसको हम कैसे डिराइव करें, इसका डेरिवेशन तो है नहीं, तो ये आपको डिजाइन डाटा बुक में मिल जाएगा. तो नंबर ऑफ टीथ के लिए होता है पिच, क्या है, मीन नंबर ऑफ टीथ इज इक्वल टू पिच, पिच सेंटर डायमीटर अपॉन मॉड्यूल, देयर फॉर टी ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, टू आर बी अपॉन एम, और आर बी हमारा है आर सेक थीटा पी, तो आर सेक थीटा पी हमने पुट किया, देयर फॉर टी सेक थीटा पी. ठीक है, टी सेक थीटा पी, देयर फॉर जो हमारा इक्विवेलेंट और फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव और इक्विवेलेंट नंबर ऑफ टीथ होगा बेवल गियर के लिए, वो होता है टी सेक थीटा पी, वेयर थीटा पी इज द पिच सर्कल डायमीटर, सॉरी थीटा पी इज द पिच एंगल, थीटा थीटा पी इज द पिच एंगल. ओके, और टी क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर, टी इज द एक्चुअल नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर एंड थीटा पी इज द पिच एंगल. तो ये हमारा इक्विवेलेंट नंबर ऑफ टीथ हमारा बेवल गियर के लिए ये होता है फॉर्मूला. ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको स्पेशली डिजाइन डाटा बुक में मिल जाएगा. तो मेरा एक्चुअली ये चाहो तो आप खुद ये हेलिकल गियर बेवल गियर का आप टॉपिक खुद से पढ़ सकते हो. मुझे डिमांड आ रहा था कि सर बता दो इस टॉपिक पे, कम से कम कुछ फिगर तो समझ में आ जाए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ. क्योंकि सारा जो भी फॉर्मूला बेवल गियर के लिए मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, सारा फॉर्मूला का कोई डेरिवेशन नहीं है. ठीक है, कोई डेरिवेशन नहीं. आप कहो तो बोलोगे कि कॉपी पेस्ट कर लिया, तो हाँ कॉपी पेस्ट ही है ये. ठीक है, क्योंकि मुझे बताना है कि ये सब फॉर्मूला होता है, ताकि आपको एक बार अभी समझ में आ जाए कि हाँ ये फॉर्मूला इसके लिए होता है, तो आप हो सके तो डिज़ाइन डाटा बुक अच्छे से यूज़ कर पाओगे. अदरवाइज एग्ज़ाम में फॉर्मूला सामने लिखा रहेगा, आपको पता है कैसे करना है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे. ठीक है, ना अगला हमारा स्ट्रेंथ ऑफ बेवल गियर, स्ट्रेंथ ऑफ बेवल गियर, बेवल गियर का स्ट्रेंथ, जैसे हमने सेम हेलिकल गियर में स्ट्रेंथ निकाला था वैसे ही बेवल गियर. तो बेवल गियर के लिए फॉर्मूला द मॉडिफाइड लुईस इक्वेशन यूज करते हैं, डेट इज डब्ल्यू टी इज इक्वल टू सिग्मा नॉट सी वी बी पाई एम वाई डैश एल माइनस बी अपॉन ए, एल माइनस बी अपॉन एल एक्स्ट्रा टर्म
इंट्रोड्यूस हुआ है इन बेवल गियर में, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा डिजाइन डाटा बुक में, ओके, वेयर सिग्मा नॉट नॉट इज अलाउबल स्टैटिक स्ट्रेस, सी वी इज द वेलोसिटी फैक्टर, सी वी इज द वेलोसिटी फैक्टर, और सी वी की वैल्यू हमें डिजाइन डाटा बुक में अलग अलग मिलेगी, 3/3 + V, 6/6 + V, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, तो वो सी वी की वैल्यू डिपेंड करता है वेलोसिटी, तो आप सबसे पहले तो गियर की वेलोसिटी निकालोगे, जिसका फॉर्मूला होता है V = π/dN/60, ठीक है, तो उससे आप वी निकाल लोगे, अब जितना वी आएगा फॉर टीथ कट बाई फ्रॉम आउट लेयर, और यहाँ पे क्या होगा होगा आपका जो वेलोसिटी फैक्टर, क्वेश्चन में दिया होगा कि टीथ जनरेटेड विद प्रिसीजन किसी मशीन से जनरेट किया गया है या फिर कास्टिंग वाला प्रोसेस से, उसके हिसाब से आप सी वी की वैल्यू लोगे, क्वेश्चन में बताया होगा क्या है, ठीक है, सी वी की वैल्यू उसके हिसाब से ले लेना, वेलोसिटी पुट करना, तो आपकी सी वी वैल्यू निकल आएगी। वेयर कैपिटल वी इज अ पेरिफेरल स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, दिस वी इज द पेरिफेरल स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, वेयर बी इज द फेज विड्थ, एम इज द मॉड्यूल, वाई डैश द टूथ फॉर्म फैक्टर, ओके, एंड एल इज द सैलेंट हाइट ऑफ द पिच कोन, जो आपका कोन है, ये जो आपका गियर का जो ये कोन बन रहा है इसकी बात कर रहा है वो, ठीक है, देयर फॉर सैलेंट हाइट ऑफ द पिच कोन दैट इज अ कोन डिस्टेंस इज रूट ऑफ एल इज इक्वल टू रूट ऑफ डी जी डायमीटर ऑफ गियर का हाफ का होल स्क्वायर प्लस डी पी बाई टू का होल स्क्वायर, ओके, तो ये होता है लैम्प का फॉर्मूला, तो सैलेंट हाइट ऑफ द पिच कोन क्या हो जाएगा, दिस, ओके, नाउ अब क्या करना है, सारे वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है, और डी जी क्या है, पिच डायमीटर ऑफ गियर, और डी पी इज द पिच डायमीटर ऑफ पिनियन, ओके, द फैक्टर एल माइनस बी अपॉन एल मे बी कॉल्ड एज बेवल फैक्टर, ठीक है, एल माइनस बी अपॉन एल इज कॉल्ड एज बेवल फैक्टर, नाउ तो सबसे पहले तो जो आपको क्वेश्चन मिलेगा, जो भी क्वेश्चन मिले आपको बेवल गियर से रिलेटेड, सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला लिखना होगा, ठीक है, टेंजेंशियल टूथ लोड का फॉर्मूला लिखना होगा, इसमें वैल्यू जो वैल्यू दिए होंगे वो वैल्यू आपको पुट करना है, जो वैल्यू निकालना है उसको एक तरफ करना, और कुछ वैल्यूज आप पूरे निकाल कर आप मेन वैल्यू निकालना, क्योंकि यही आपका डब्ल्यू टी जो ये लोड ही आपका बताता है कि आपका गियर, बाकी फिर वियर लोड निकालो, स्टैटिक लोड निकालो, डायनेमिक लोड निकालो, सब निकाल लो, और इसको इससे कंपेयर करोगे जब, तो आपको पता चलेगा गियर आपका सेफ है या नहीं है, ठीक है, तो जब चेक करते हैं गियर की वियर या गियर की स्टैटिक या गियर की डायनेमिक, तब हम सबसे पहले तो ये निकालते ही हैं। नाउ द डायनेमिक लोड सेम एज स्पर गियर, स्पर गियर में जो हमने डायनेमिक लोड देखा था या फिर हेलिकल गियर में जो देखा था सेम डायनेमिक लोड इज डब्ल्यू टी प्लस 21 V बी इंटू सी प्लस डब्ल्यू टी अपॉन 21 V प्लस रूट ऑफ बी इंटू सी डब्ल्यू टी, सेम जो उसमें था यहाँ भी, ठीक है, यही आपको डिजाइन डाटा बुक में मिल जाएगा ये फॉर्मूला। नाउ द स्टैटिक टूथ लोड एंड और एंड्योरेंस ऑफ द टूथ आर फॉर बेवल गियर इज गिवन बाई, ओके, स्टैटिक टूथ लोड और एंड्योरेंस स्ट्रेंथ ऑफ द गियर ऑफ द फॉर द बेवल गियर डब्ल्यू एस इज इक्वल टू सिग्मा ई बी पाई एम वाई डैस, ये सेम हेलिकल गियर की तरह है, बस इसमें एल माइनस बी अपॉन एल इंटू हो जा रहा है बेवल फैक्टर, ये बेवल फैक्टर हेलिकल गियर के फॉर्मूला में बेवल फैक्टर इंटू कर दो तो आपका लोड निकलता जाएगा सबका, ठीक है, तो ये आपका ट्रिक है एक, याद रखना जो भी लोड हो, स्टैटिक लोड डायनेमिक लोड उसका हो, उसमें ये फैक्टर आप मल्टीप्लाई कर दोगे स्टैटिक लोड में या फिर टेंजेंशियल लोड में, तो आपका आ जाएगा, ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ फ्लेक्सुरल एंड्योरेंस लिमिट सिग्मा सी फ्रॉम टेबल, अब जो यहाँ सिग्मा ई दिख रहा है दैट इज फ्लेक्सुरल एंड्योरेंस लिमिट, ये आपको टेबल से मिल जाएगा, ओके। नाउ द मैक्सिमम और लिमिटिंग लोड फॉर वियर फॉर बेवल गियर इज, वियर निकालो, देखो वियर निकाले डब्ल्यू डब्ल्यू इज कल डी पी बी क्यू के अपॉन कॉस थीटा पी वन, ओके, वेयर क्यू, क्यू कैसे निकालोगे, क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा 2TEG अपॉन 2EG प्लस 2EP, ओके, वेयर मीन्स दिस क्यू डिपेंड्स ऑन फॉर्मेटिव और इक्विवेलेंट नंबर ऑफ टीथ, दिस क्यू डिपेंड ऑन फॉर्मेटिव और इक्विवेलेंट नंबर ऑफ टीथ, अब देखो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ टीथ फॉर गियर और TE मीन्स इक्विवेलेंट नंबर ऑफ टीथ फॉर पिनियन, सबसे पहले तो आप यहाँ से इस फॉर्मूले से जो हमने ये निकाला था TE फॉर पिनियन के लिए और TE फॉर गियर के लिए आप कैलकुलेट करोगे, और उसके बाद जब क्यू की वैल्यू निकालना होगा तो क्यू इज इक्वल टू 2TEG अपॉन TEG प्लस TEP फाइंड करोगे, तो क्यों आपने पुट कर दिया, ओके, और के की वैल्यू आपको पता है डिजाइन डाटा बुक से, के की वैल्यू निकाल लेना जैसे मैंने हेलिकल गियर में बताया था, सेम प्रोसेस है, वैल्यू पुट करना आपका वियर लोड निकल आएगा। नाउ डिजाइन ऑफ शाफ्ट फॉर बेवल गियर, अब आप बेवल गियर का तो डिजाइन कर लिया, तो उसमें शाफ्ट जो लगा है उसकी भी डिजाइन के लिए क्वेश्चन बनते हैं, तो डिजाइन ऑफ शाफ्ट फॉर बेवल गियर, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पिनियन,
पिनियन पे जो टॉर्क एक्ट हो रहा है वो फाइंड करना है। टॉर्क इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू 2π Nt/60 होता है, देयर फॉर टॉर्क इज इक्वल टू P×60/2π Np, वेयर पी इज द पावर ट्रांसमिशन इन वाट और एन पी इज द स्पीड ऑफ द पिनियन इन आर क्यू। तो ये फॉर्मूला तो याद कर ही सकते हो यार, पावर इज इक्वल टू 2π Nt/60, देयर फॉर टी इज इक्वल टू π×60/2π N। ओके, नाउ फाइंड द टेंजेंशियल फोर्स WT एक्टिंग एट द मीन रेडियस ऑफ द पिनियन, therefore WT is equal to T upon RM। okay, now find first, सबसे पहले तो हम शाफ्ट डिजाइन करना हो बेवल गियर के शाफ्ट का, सबसे पहले तो हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। टॉर्क कैलकुलेट करने के बाद टेंजेंशियल फोर्स WT, टेंजेंशियल लोड, टेंजेंशियल फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, कर लिया। थर्ड प्रोसेस है, नाउ फाइंड द एक्सियल एंड रेडियल फोर्सेस, W एक्सियल और W रेडियल फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ हॉरिजेंटल और वर्टिकल, क्योंकि ये एंगल बना रहा है तो इसको रिजॉल्व करोगे हॉरिजेंटल में और वर्टिकल में, फिर आप निकालोगे। फोर्थ स्टेप है फाइंड रिजल्टेंट बेंडिंग मूवमेंट ऑफ द पिनियन शाफ्ट, अब जो उस पर बेंडिंग मूवमेंट आएगा वो कैलकुलेट करो। कैसे करोगे? द बेंडिंग मूवमेंट ड्यू टू WRH मीन्स रेडियल फोर्स लोड हॉरिजेंटल कंपोनेंट, रेडियल फोर्स लोड वर्टिकल कंपोनेंट इज गिवन बाय M1 इज इक्वल टू WRV इंटू ओवरहैंग माइनस WRH इंटू RM। ओके, जो बेवल गियर का साफ है उसमें दो कंडीशन में बेंडिंग मूवमेंट एक्ट होता है, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल के कारण उसमें एक्ट होता है। रेडियल के कारण जो बेंडिंग मूवमेंट एक्ट होगा जिसे हमने M1 नाम दिया उसके लिए फॉर्मूला हमारा ये बना, और जो टेंजेंशियल के कारण बेंडिंग मूवमेंट एक्ट होगा दैट इज M2 वो बनेगा WT इंटू ओवरहैंग। ओके, नाउ देयर फॉर रिजल्टेंट बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा? एम इज इक्वल टू M1 का होल स्क्वायर प्लस M2 का होल स्क्वायर। ठीक है, रिजल्टेंट बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट कर लेना। नाउ सिंस शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑल्सो एंड रिजल्टेंट बेंडिंग मूवमेंट, देयर फॉर द इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट इज रूट ऑफ M² + T² ये M² और जो ये टॉर्क निकाला ये T² दोनों का सम का रूट, ये कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ द डायमीटर ऑफ द पिनियन शाफ्ट दे मे बी ऑप्टेन बाई यूजिंग द टॉर्सन इक्वेशन। टॉर्सन इक्वेशन हमें पता है टॉर्सन इज इक्वल टू π/16 CSS dP/d³, π/16 TD³ होता है, तो पिनियन का हमें निकालना है, तो इस फॉर्मूले से हम डायमीटर याद रखना है। अगर डायमीटर की बात किसी भी गियर के डायमीटर की बात कर रहा हो तो यही फॉर्मूला यूज होगा, टॉर्सन इज इक्वल टू π/16 τ dQ। तो डी उससे निकाल लो कि टी आपको क्वेश्चन टॉर्क निकाल लो, सीयर टॉर्क निकाल लो और फिर उससे डी निकल जाएगा, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ द पिनियन शाफ्ट एंड टाउ इज द सीयर स्ट्रेस फॉर द मटेरियल ऑफ द पिनियन शाफ्ट। ओके, तो इतना ही था। तो ये हमें हेलिकल गियर में सिर्फ इतना ही फॉर्मूला हमें पढ़ना है, इसी फॉर्मूला पे आप न्यूमेरिकल लगा लो, क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं लगाओ तो ये लेक्चर कोई काम का नहीं। मैं तो सिर्फ आपको जो लिखा है जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड है मैं सिर्फ आपको वो बताया हूँ और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया हूँ उसको, ठीक है, बाकी सब आप चाहो तो खुद से भी ये सब देख सकते थे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल लगाना तभी आपको समझ में आएगा, तो हो सके तो मैं एक न्यूमेरिकल इस टॉपिक पे करा दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।